मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन अंतर्गत अंबेडकर कॉलोनी हिमगिरी निवासी विनोद चंद्र जोशी ने उसके साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही किए जाने एवं बैंक द्वारा उसके मकान की नीलामी प्रक्रिया को रोके जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को परिवार सहित एक ज्ञापन पेश किया है। पीड़ित विनोद चंद्र जोशी का आरोप है कि वर्ष 2017 में उसे 4 लाख का लोन बैंक से दिलाए जाने के नाम पर पड़ोसी सुरेश शर्मा, राहुल शर्मा एवं विकास दिवाकर ने उससे मकान के कागज ले लिए और धोखे से दस्तखत कराकर बैंक से 8 लाख भी निकाल लिए, जिसकी FIR दर्ज करा दिए जाने के बाद भी अभी तक नाम दर्ज अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बैंक द्वारा मकान की नीलामी के लिए 16 मार्च 2021 निर्धारित कर दी गई है। कहा गया है कि उसका परिवार बेहद परेशान है एवं नौकरी भी खत्म हो गई है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। परिवार के पास अब आत्मदाह के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। पीड़ित विनोद चंद्र जोशी एवं उनकी पत्नी ने अभी तक संवाददाता को बताया। विनोद चंद्र जोशी, क्या मामला है ये? सर, ये मामला है 2017 में सूरज शर्मा, विकास दिवाकर और राहुल शर्मा ने, तीनों ने मिलकर और मुझे 4 लाख का लोन का आश्वासन देकर सिंडिकेट बैंक लदावली शाखा मुरादाबाद से लोन दिलवाने का आश्वासन देकर मुझे बैंक ले गए और मेरे ओरिजिनल कागज घर के बैंक में जमा करवा कर मुझे साइन करवा लिए और 4 लाख की जगह 8 लाख ले लिए। 8 लाख हड़प करके और भाग गए। भागने के बाद मैंने पुलिस प्रशासन से उनकी रिपोर्ट करवाई, पकड़े भी गए। पकड़वाने के बाद ने 50-60 हज़ार जमा भी किए। जमा करने के बाद 4 लाख का चेक फ्रॉड देकर मुझे और फिर फरार हो गए। तब से अब तक आए नहीं है? अब तक आए नहीं सर। आपने कोई FIR भी कराई है? FIR कराने के बाद भी कोई प्रशासन ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। मैं हर एक अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय जी से भी मिला हूँ और पुलिस अधिकारियों से भी मिला हूँ। अच्छा, पैसे की रिकवरी के लिए बैंक द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? बैंक द्वारा ये कार्रवाई है सर, 16 मार्च को मेरी घर की नीलामी निश्चित की गई है। क्या मांग करना चाहते हैं सर? मैं उन तीनों लोगों को पकड़वा कर और बैंक का सारा पैसा उनसे वसूलना चाहता हूँ। आप उन लोगों को जानते थे पहले से? पहले मेरे पड़ोस में रहते थे सर। मकान अपना था? जी, मेरा मकान अपना है। उनका? उनका भी अपना था, किराए पर रहते, वो भाग गए। उनका भी था, उस पर भी उन लोगों ने बहुत लोन ले रखा है। उस पर मैंने ताला भी लगवाया, उस पर भी लोन है। बैंक ने उसको भी लोन दे रखा है उस मकान का। जी, क्या मामला है ये? जी, 2017 में हमने लोन के लिए अप्लाई के लिए उनसे कहा था। जी सर, हमने 4 लाख के लिए कहा था तो उन्होंने हमारे पति के साइन करवा के और 8 लाख रुपए ले लिए, जो हमारे खाते में एक पैसा नहीं आया सर। हम बहुत परेशान हैं, तो हम यही प्रशासन से यही मदद चाहते हैं, उन लोगों को पकड़वाने में हमारी मदद की जाए। बैंक द्वारा कोई नीलामी कहा गया? जी सर, 16 तारीख को हमारी नीलामी निश्चित है सर। हमारा बचने का कोई चारा नहीं है। मैं चारों बच्चों को लेके यहीं पे सुसाइड कर लूँगी सर, और हमारे बचने का कोई साधन ना है। दिन रात पागलों की तरह जी रहे हैं सर। हमें यही न्याय चाहिए। हमारा घर जो हमने कराई नहीं, उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। मेरे बच्चों को 1 साल से मेरे बच्चों को पढ़ाई, घर में बैठे हैं बच्चे, मेरे पढ़ाई नहीं हो रही है। दिन रात आज 8 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला सर। हम प्रशासन से यही न्याय चाहते हैं कि जो हमने कराई नहीं, उसकी सजा हमें क्यों भुगतानी जा रही है। प्रशासन हमारी इतनी मदद करे बस।